लट लकार का मतलब होता है वर्तमान का, समझ में आ रहा है? लट लकार यानी वर्तमान का। वर्तमान काल में नियम हम ऐसे देखेंगे कि जैसे पट धातु है, लिक धातु है, गम धातु है, यदि कोई भी धातु, धातु का मतलब हो गया क्रिया, किसी भी धातु का मतलब क्या हो गया क्रिया। तो जैसे किसी भी क्रिया में हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके बाद एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष, बहुवचन प्रथम पुरुष, या फिर हम देखेंगे एक वचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष और बहुवचन मध्यम पुरुष, फिर यहां देखेंगे एक वचन अन्य पुरुष, द्विवचन अन्य पुरुष और बहुवचन क्या है अन्य पुरुष। अब इसके साथ धातु हम क्या करेंगे कि ती तो अंति, सी थ थ, आमी आव आमा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां दिया गया है कि वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, तो इसका हम कैसे अनुवाद करेंगे, वह का क्या होता है, तो मैं इसका हिंदी यहाँ पे हिंदी के साथ इसका संस्कृत शब्द को मैंने लिख दिया है, वह का क्या होता है स, यानी वह, लेकिन यहाँ क्या है पुरुष है, और हमको चाहिए कि वह खाना खाती है, वह क्या है महिला है, क्या है वह महिला है, तो वह महिला के लिए क्या होता है शा। तो बस इसको हमें लिखते चलना है, वह का क्या हुआ शा, और खाना का क्या होता है, बस संस्कृत का कुछ शब्द को याद रखना है कि खाना का क्या होता है, जैसे खाना का हो गया भोजन, खाना का क्या हुआ भोजन, यहाँ क्या लिखेंगे भोजनम, भोजनम, और या जो भोजन होता है उसके लिए भोजनम हो गया, और खाया जाता है जिसे ग्रहण किया जाता है उसके लिए क्या होता है खाद माने खाना, क्या होता है खाद माने खाना, तो यहाँ खाद का प्रयोग करेंगे, लेकिन धातु में देखेंगे कि किस शब्द को यहाँ पे जोड़ेंगे, किस धातु में क्या जोड़ेंगे, तो धातु में क्या जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे वह के साथ क्या जोड़ने की बात की गई ती, तो यहाँ धातु में क्या जोड़ेंगे ती जोड़ देंगे तो क्या हो गया खादती, सा भोजनम खादती, आसान है। इसी तरह से जैसे दूसरा दिया, दूसरा भी समझ लो कि वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वे लोग का क्या होता है, तो इसका हम लिख दिए यहाँ, वे लोग का क्या, वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वे लोग का क्या होता है ते होता है, वे लोग का क्या होता है ते होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ते लिखेंगे, उसके बाद क्या है पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक का क्या होगा पुस्तकम, पुस्तक का पुस्तकम, अब पढ़ना का पढ़ धातु का क्या होगा पठ यानी पढ़ना, पठ यानी पढ़ना, तो पठ में क्या जोड़ेंगे पठ धातु में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि वे लोग के साथ क्या है अंति है, तो पठ में अंति जोड़ेंगे तो पठ जोड़ अंति बराबर होता है पठंती, पठ जोड़ अंति या अर्थात क्या हुआ पठंती, तो यहाँ क्या कर देंगे पठंती, समझ में आ रहा है। अब इस तरह से बन सकता है, जैसे इसके बाद दिया गया कि वे लोग सत्य बोलते हैं, वे लोग का क्या हुआ फिर वही बात, वे लोग का ते सत्य का सत्यम, अब बद माने बोलना, तो बद में क्या जोड़ेंगे अंति जोड़ेंगे, बद में क्या जोड़ेंगे अंति जोड़ेंगे, तो बद में अंति जोड़ेंगे क्या हो गया बद अंति। इसी तरह से है कि तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो, तो तुम का क्या होगा, इसको भी मैंने लिख दिया है, तुम का क्या होता है तुम, आम का आम्रम, आम का क्या होगा आम्रम, और खाना का होता है खाद, तो खाद में क्या जोड़ेंगे, खाद में क्या जोड़ेंगे यहाँ तुम के साथ क्या जोड़ने की बात की गई सी, तो खाद में सी जोड़ेंगे तो क्या होगा खाद सी, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि तुम दोनों वहां जाते हो, तो तुम दोनों का क्या लिखा है संस्कृत में युवाम, तुम दोनों का क्या लिखा है युवाम, और वहां का क्या हुआ तत्र माने वहां, तत्र माने वहां, जाना का गच्छ होता है, जाना का क्या होगा गच्छ हुआ, तो गच्छ में क्या जोड़ेंगे यहाँ पे तुम दोनों के साथ थ, तो गच्छ में थ जोड़ेंगे गच्छ थ, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है कि तुम लोग बाजार से आते हो, तो तुम लोग का क्या हुआ, तुम लोग का क्या लिखा है युवम, देख रहे हो यहाँ युवम, अब बाजार का क्या होगा हाट, हाट माने बाजार, हाटम है ना बाजार से, तो हाटे, इसका भी हम नियम जिक्र करेंगे कि हाटे क्यों लगेगा, हाटे और आना का आगच होता है।